खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। पुष्कर सिंह धामी का जन्म जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडीहाट में हुआ। वो एक साधारण परिवार से आते हैं और उनकी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है। उन्होंने 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। कुशल नेतृत्व क्षमता, संघर्षशीलता और अदम्य साहस के कारण वो दो बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2002 से 2008 तक लगातार पूरे प्रदेश में वो जगह जगह भ्रमण कर युवा बेरोजगारों को संगठित करते रहे और उन्होंने कई विशाल रैलियों और सम्मेलन का आयोजन किया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रदेश सरकार से स्थानीय युवाओं को राज्य के उद्योगों में 70% आरक्षण दिलाने में सफलता मिली। इसी क्रम में उन्होंने 11 जनवरी 2005 को प्रदेश के 90 युवाओं के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए ऐतिहासिक रैली आयोजित की, जिसे युवा शक्ति प्रदर्शन के रूप में उदाहरण के तौर पर आज भी लोग याद करते हैं। बीजेपी सरकार में 2010 से 12 तक शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में वो कार्य करते रहे और इसी दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वर्तमान में वो खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।